सो गाइस हमारे पास है बोट रोकस 450 हेडफोन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसका एक छोटा सा रिव्यू, और इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा बोट रोकस 450 हेडफोन कैसा है, क्या आपको इसको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, पबजी खेलने के लिए, म्यूजिक के लिए, कॉलिंग के लिए और बाकी सब चीज़ के लिए कैसा रहेगा ये हेडफोन। तो अगर आप इस हेडफोन को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारे सामने बोट रोकस 450 हेडफोन। अगर हम इसकी अनबॉक्सिंग की बात करें तो गाइस उसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल देखने को मिलती है। यहाँ पर हमको हेडफोन हमारे देखने को मिल जाते हैं, इसी के साथ यहाँ पर हमको कुछ केबल्स देखने को मिलती है। अगर हम इन केबल की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको दो केबल हमें देखने को मिल रही हैं। गाइस एक के अंदर यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलने वाली है और दूसरी गाइस यहाँ पर आपको ऑक्स केबल देखने को मिलने वाली है। अगर आपके हेडफोन की बैटरी लो हो जाए तो गाइस यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसे चार्ज कर सकते हैं। साथ ही में गाइस यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है जो कि आप इसे पढ़ भी सकते हो। साथ ही में यहाँ पर आपको एक ईयर की वारंटी का कार्ड देखने को मिलेगा। गाइस सबसे पहले बात करेंगे इसके डिजाइन एंड लुक एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। गाइस अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो डिजाइन हमें इसका काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक प्रीमियम सी फील देखने को मिलने वाली है और गाइस यहाँ पर आप इसको बड़ी आसानी से एडजस्ट भी कर पाओगे। तो डिजाइन और लुक क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी कुशन की कमी हमें देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको नॉर्मल सी कुशनिंग देखने को मिलती है जो कि आपको ठीक देखने को मिलती है। अगर हम इसकी बात करें तो गाइस गेमिंग हेडफोन जैसे तो देखने को नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर फिर भी जो इसकी क्वालिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर भी आपको कुशनिंग देखने को मिल जाती है जिससे ये काफी अच्छे बन जाते हैं। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हुआ है, बट फिर भी इसकी जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो यहाँ पर आपको काफ़ी ठीक देखने को मिलती है। बट इस बजट के हिसाब से यहाँ पर आपको थोड़ी से सॉफ्ट देखने को मिल जाते हैं, इसका वेट भी बहुत थोड़ा कम देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। अगर हम फीचर की बात करें तो वैसे यहाँ पर आपको 40mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको ऑक्स केबल का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आप अपनी ऑक्स केबल को कनेक्ट कर पाओगे। LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पर आपको सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको बाकी सभी हेडफोन के अंदर देखने को मिलते हैं। गाइस यहाँ पर आप अपनी चार्जिंग केबल को लगा सकते हो, यहाँ पर आप अपनी ऑक्स केबल को लगा सकते हो। साथ ही में गाइस यहाँ पर आपको वॉल्यूम को कम या फिर ज़्यादा करने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में गाइस यहीं से आप इसकी पावर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर आपको इसको प्रेस करे रखना है और गाइस यहाँ पर इसकी LED भी ऑन हो जाती है। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम इस हेडफोन के साउंड टेस्ट, म्यूजिक टेस्ट और गेम टेस्ट के बारे में। अगर हम यहाँ पर इसकी गेमिंग टेस्ट की बात करें तो गाइस मैंने यहाँ पर इसका गेमिंग टेस्ट भी किया है, BGMI को मैंने यहाँ पर खेला था। तो गाइस अगर मैं इस हेडफोन की बताऊँ तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिल सकती है जो कि 1 सेकंड से भी कम देखने को मिलती है। अगर आप इसका ब्लूटूथ वाला मोड यूज करोगे तो आपको देखने को मिलती है, बाकी यहाँ पर आप ऑक्स केबल से भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ये देखने को मिलने वाला है। तो गेमिंग के लिए आपको काफ़ी ठीक रहने वाला है, बट जैसे कि बाकी सब ब्लूटूथ हेडफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है तो आप अच्छे से खेल पाओगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर म्यूजिक टेस्ट की बात करें तो म्यूजिक भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर मैं इसकी बेस की बात करूँ तो बेस भी यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा इस बजट के हिसाब से, और इसका साउंड भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है इस बजट के हिसाब से। तो म्यूजिक के लिए भी आप इसको परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बट ज़रा हाई क्वालिटी के नहीं है और यहाँ पर लो क्वालिटी के भी नहीं है, बट यहाँ पर आपको इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। सो गाइस ये था बोट रोकस 450 हेडफोन। अब लास्ट में बात करते हैं कैसा है हेडफोन, क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस आप इस हेडफोन को परचेस कर सकते हो, बट अगर आपको सेल के अंदर इसका प्राइस कम देखने को मिले तो आप इसको परचेस कर सकते हो। ये आपको 1000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है, बट अगर सेल ना हो या फिर कई बार रेट थोड़ा ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है, बट जब इसका रेट कम है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। इस बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। गेमिंग के अंदर अगर आप ब्लूटूथ वाला यूज़ करते हो तो 1 सेकंड से भी कम का आपको डिले देखने को मिल सकता है, बट वो आजकल नॉर्मल होता जा रहा है ब्लूटूथ वाले के अंदर, तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, काफ़ी अच्छी कम्फर्ट भी देखने को मिलती है। बट गाइस थोड़ा सा इसको और इम्प्रूविंग को करना चाहिए था, बाकी गाइस इस प्राइस के हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हो। कोई ज़्यादा दिक्कत मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर ये डील देखने को मिली है इस बजट के अंदर। तो गाइस ये था बोट रोकस 450 हेडफोन। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।